Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are fine. Today we will do again page number 158. Today we will solve question number 6 and 7. Okay? To our today task is 6 and 7. Question number 6 में क्या कह रहा है? Find the perimeter of squares with the following sides using the formula. आपने squares बनाने, ठीक है? और उसका perimeter आपने मालूम करना है. Always remember, square is a four equal sided shape. Square वो shape होती है जिसके चारों sides क्या होती हैं? Equal होती हैं. तो अगर एक लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो चारों लेंथ चारों साइड्स कितने सेंटीमीटर की होगी? 30 सेंटीमीटर की होगी. आप यूज़ करेंगे फार्मूला. ओके, यू विल डू दीज सम्स इन योर नोटबुक्स. ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ किया. आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6 पेज नंबर 158 आप लिखेंगे अपनी नोटबुक पर. यू नो कैसे आप लोग काम करते हैं. देन राइट द क्वेश्चन. 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ड्रॉ द स्क्वायर हेयर 30 सेंटीमीटर. नाउ यूज़ द फार्मूला. मैंने क्या बताया, फोर स्क्वायर इज द फोर इक्वल फोर साइडेड शेप. स्क्वायर क्या होती है? इक्वल फोर साइडेड शेप होती है. तो इफ़ द वन लेंथ इज वन साइडेड 30 सेंटीमीटर, तो अदर साइड फोर साइडेड ऑल्सो इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर क्या हो गया, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल. फोर साइडेड है, वन टू थ्री फोर लेंथ है, तो इट इज़ फोर एल. ओके, तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, फोर एल. एक लेंथ मुझे दी हुई, कितनी लेंथ दी हुई मुझे, 30 दी हुई. तो फोर को मैं क्या करूँगी, 30 से मल्टीप्लाई कर लूँगी. तो यू कैन 30 को ऊपर रखें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें. 4 जीरो ज़ा ज़ीरो, 4 थ्री ज़ा 12. तो आई हैव पेरीमीटर मेरा कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, और यू कैन ऑल्सो सॉल्व लाइक दैट. आपने कितनी, मेरे पास कितनी लेंथ है, फोर्थ लेंथ है. पी इज इक्वल टू एल प्लस लेंथ, मेरे पास कितनी है, फोर लेंथ है मेरे पास, वन टू थ्री फोर. ठीक है, तो यू कैन राइट 30 को फोर टाइम लिख लें, वन टू थ्री फोर. अब जब मैंने इसको फोर टाइम लिखा, तो अगर जब मैं फोर टाइम प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, फोर टाइम प्लस करके देख लीजिए, थ्री और थ्री सिक्स, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. तो आई हैव 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट? तो यू विल सॉल्व अदर्स क्वेश्चन लाइक दैट. ओके, अब बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे इन योर नोटबुक्स. अब क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं आपके पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग शेप. आपने क्या करना है, फॉलोइंग शेप्स, आपको दो शेप्स दी हुई है, इसको क्या करना है, आपने इसका पेरीमीटर मालूम करना है. ठीक है, पहले तो मैंने ये जो पहली शेप दी हुई है इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है. यहाँ पर मैं इधर लाइन डाल के ये दो हिस्से, एक मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा, एक मेरे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल. फिर दोनों के जो है मैं क्या करूँगी, रेक्टेंगल का अलग पेरीमीटर मालूम करूँगी, स्क्वायर का अलग पेरीमीटर मालूम करूँगी, फिर दोनों के पेरीमीटर को ऐड कर दूंगी. हेयर आई डिवाइड दीज शेप इन टू थ्री पार्ट्स, वन टू थ्री. यहाँ मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा लाइक दैट. जैसा मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की और एक मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की, मैं आपको लाइन्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ. आई ड्रॉ लाइक हेयर, आई ड्रॉ हेयर. तो इट हैज़ थ्री शेप्स, वन टू थ्री. आई हैव थ्री रेक्टेंगल्स. तो तीनों रेक्टेंगल्स के क्या होंगे, मैं इनको तीनों रेक्टेंगल के अलग से मैं इनके पैरामीटर्स मालूम करके फिर आपस में ऐड कर दूँगी. आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन हेयर, अदर क्वेश्चन यू विल सॉल्व बाई सेल्फ. जिसका मैंने यहाँ पर नोटबुक में मैंने यहाँ पर बनाया आपके लिए एक्सरसाइज 7 पेज नंबर 158 आप लोग लिखेंगे. देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप. आपने मैंने यहाँ पर शेप ड्रॉ की. ठीक है, शेप को मैंने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया. मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके जो है क्या किया, उसको एक रेक्टेंगल बना लिया और एक क्या बना लिया मैंने, उसको पेरी स्क्वायर बना लिया. पहले मैं उसको क्या करती हूँ, रेक्टेंगल को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करते हैं. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पी इज इक्वल टू टू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला था. तो मेरे पास लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है मेरे पास, 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 9 10 11, तो 2 11 ज़ा 22 सेंटीमीटर. ठीक है, देन यहाँ मैं मालूम करूँगी क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. दो शेप तो हो गई थी ना, मैंने दो शेप में उसको शेप को डिवाइड कर लिया था. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल क्या होता है, पी इज इक्वल टू फोर एल. एक लेंथ उसने मुझे दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो बाकी भी लेंथ क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी. 4 फोर ज़ा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ
दिस इज द ए शेप एंड दिस इज द नाउ पैरीमीटर टोटल टोटल पैरीमीटर टोटल पैरीमीटर टोटल पैरीमीटर क्या हो गया ए प्लस बी. मैंने इस शेप को ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया. तो ए प्लस बी, ए कितना आया 22 और बी कितना आया मेरे पास 16. तो 22 में यहाँ 16 को प्लस कर लीजिए तो आई हैव 6, 7, 8, 2, 1 प्लस 3 तो आई हैव 38 सेंटीमीटर माई आंसर. गॉट इट? तो माई आंसर इज 38 सेंटीमीटर. अदर क्वेश्चन यू विल ऑल्सो सॉल्व लाइक दैट. आप तीनों का क्या करोगे, सबसे पहले आप तीनों का पैरामीटर मालूम कर लोगे, जो आंसर आएगा उन तीनों पैरामीटर्स को आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे. ठीक है, ट्राई दिस सम, डू बाय सेल्फ एट योर होम्स. अल्लाह हाफिज़.